दोस्तों, मैं पंकज जवानिया आज आपके लिए ये इंजन लाया हूँ। ये गन्ने के रस वाला इंजन है, एयर कूल्ड, जो हवा से ठंडा होता है। और इसमें हमने रिंग डाले हैं और उसका गैस्केट फट गया था और रिंग भी थोड़े से वो थे, तो रिंग भी डाले हैं इसके। तो इसकी हम आपको टापे की सील डालना दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सील डालते हैं। तो अब हमने पुरानी जो सील थी वो निकाल ली है पेचकस की मदद से। और ये है टीन का इसका आगे का कवर है और आगे से इसकी वो मुड़ जाती है, उसकी वजह से ज़्यादातर अंदर से ठुकता है, पर हम देखते हैं बाहर से ठुक जाता है तो अंदर, तो फिर हमें खोल के है अंदर से ठोकना पड़ेगा। तो आप सील देख सकते हैं कौन सी कंपनी की सील है। तो ये सील हम हैंडल की सील होती है और 150 नंबर की होती है। तो इसको हम लगाते हैं, हम हल्का सा मोबिलियर लगा लेते हैं जो थोड़ा बहुत इसमें कुछ जो हमारे टीन टप्पड़ में इसमें जैसे लगाएंगे तो थोड़ा सा मोबिलियर से आराम से बैठ जाती है और ये जाके सही फिक्स हो जाती है। तो ये देखें, ये शाफ्ट एक तरफ को भाग रही है। इसमें एक दिक्कत हमारे सामने आ गई, शाफ्ट एक तरफ को भाग रही है, तिरछी हो रही है, जिसकी वजह से इसमें सही से बैठ नहीं पाएगी और हमें खोल के ही इसे लगाना पड़ेगा। और जो सील बार बार इसमें ख़राब हो जाएगी, ये इसमें समस्या हैगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब सेंटर में कोई चीज़ नहीं होगी और जब सेंटर से आउट होगी तो वो चीज़ ख़राब करती रहेगी। तो देखें, कुछ हद तक हमने इसे सील लगा दी है पर ये सही नहीं बैठ रही। हम इसको निकाल के और अच्छी तरीके से इसको बिठाएंगे और जब इसको फिट करेंगे। तो देखें, हमने बिठाई है तो कुछ हद तक तो बैठ गई है, फिर भी वो फिनिशिंग नहीं आई है जो फिनिशिंग आनी चाहिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सही से और बिठा कर देख लेते हैं। बैठ जाती है तो ये अटक रही है हल्की हल्की, क्योंकि ये हमारी शाफ्ट है। देखो, एक तरफ को भाग रही है, एक तरफ को तिरछी हो रही है, उसकी वजह से सेट नहीं हो रही। तो इसको हमें टापे को, तो हमने टापा खोल लिया है। तो टापा खोलने के बाद अब हम अंदर से इसमें सील रख के और हथौड़े की मदद से अंदर से ठोक देंगे। तो क्योंकि अंदर से कोई चोट नहीं लगी रहती, कोई दबाव नहीं रहता, तो अंदर से आराम से बैठ जाती है। अंदर से दबाएंगे और हल्की सी हथौड़ी की चोट लगाएंगे तो सीधा हमारी सील सेंटर बैठ जाएगी। और फिर उसके बाद हमने इस पर टापा लगा दिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि सील किस तरीके से लगती है। कमेंट काफ़ी थे कि जी आगे की टापे की जो सील होती है वो किस तरीके से लगती है। तो वो देखिए, सील हमने लगा दी है और पूरा जनरेटर फिट कर चुके हैं। और इस पर मैंने एक लाइव वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं, जो खोलने की और बांधने की है, खोलने की है। और इसे हमने बांध दिया है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसे चेक करते हैं एक बार। तो ये देख सकते हैं आप स्टार्टिंग की आवाज़ कैसी है और इसमें चल कैसे रहा है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। ज़्यादातर हम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई आप इंजन लेते हो सेकेंड हैंड तो काफ़ी पुराना होता है तो उसके स्टड स्लिप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इस वाले सेट में भी यही दिक्कत है। जे इनका काफ़ी टाइम पुराना होगा, जिसके पास होगा फिर इन्होंने लिया है, तो इसमें इन्होंने काम कराया है, तो इसमें रिंग का और गैस्केट का काम करा है, पर इसकी जो लाइफ है इंजन की वो ख़त्म हो चुकी है। इसमें ओवर साइज के स्टड लगे हुए हैं और सब चूड़ी स्लिप है, तो दूर से सही दिखाई देता है पर इंजन लगता है कि बढ़िया है, पर उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है। कि जब उसमें स्टड बार बार कसेंगे, बार बार खुलेंगे, तो वहाँ से जो उसका लोहा होता है, जो चूड़ी होती है, वो ढीली हो जाती है, तो उसकी वजह से। तो ये देखो दोस्तों, ये थोड़ा इसे चला के दिखा रहे हैं कि लोड वोड सही ले रहा है नहीं ले रहा। तो फिलहाल तो इनका लोड वोड सब सही ले रहा है, बस इसमें यही दिक्कत है क्योंकि ज़्यादा पुराना इंजन होने के बाद तो कामयाब नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा पुराना इंजन नहीं लेना चाहिए। और इंजन आप इसमें ज़्यादा खुला हुआ भी नहीं होना चाहिए। खुलने से मतलब होता है एक बार कस गया है और उसके बाद जब बार बार खुलता है और बार बार खुलने से उसकी लाइफ कम हो जाती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखें, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो अब ये थोड़ा सा जूस निकाल के हमें पिलाएंगे, तो इसका जूस निकालने के बाद भी इसका लोड एक बार चेक कर लेते हैं कि लोड किस तरीके से ले रहा है और सही ले रहा है नहीं ले रहा, तो थोड़ा सा ये दिखाएंगे। तो ये देखें, इसमें गन्ने डाल के जूस निकाल ले हैं, ये जूस निकाल के फिर हम पी के देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल तो ये लोड सही ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। और
बढ़िया चल भी रहा है, दवा भी ये बढ़िया दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखें ये दवा भी सही दे रहे हैं और ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। इसमें क्या था कि इसमें हेड का काम होना था, हेड का काम हमने छोड़ दिया क्योंकि इंजन पूरा ही ख़त्म हो रहा था। उसके बाद भी हमने इसमें खाली रिंग और गैस्केट का डाल के फिलहाल चला दिया है। तो देखें लोड पे भी बिल्कुल सही चल रहा है, जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो उसका हेड का भी काम कराना है। पर जो इसमें स्टड स्टड सब स्लिप हो रहे हैं तो ये दोबारा गैस्केट फाड़ सकता है मेरे हिसाब से, जब तक चल रहा है। पर इन्होंने कभी झटके का लोड दिया तो ये दोबारा गैस्केट फाड़ देगा और इनको दुखी करेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोड बढ़िया चल रहा है इनका, ये देखें। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है हमारा ये सेट और कोई दिक्कत भी नहीं कर रहा। आप ये देखें, जब भी लोड पे इंजन काला धुआं देता है और गहरा काला धुआं देता है तो समझ लो उसके रिंग पिस्टन में और लाइनर में दिक्कत है, और वही डलेंगे जब भी इसका ये धुआं ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी कमेंट है कि जी वैसे तो खाली पे तो धुआं नहीं है पर लोड पे धुआं दे रहा है, तो ये रिंग पिस्टन की वजह से होता है कि वो बैक कंप्रेसर काट देते हैं और प्रेशर पूरा नहीं बन पाता जिसकी वजह से धुआं ज़्यादा देता है। तो आप देख सकते हैं हमारे जमील भाई ने गन्ने का जूस पूरा निकाल दिया है, उसमें बिल्कुल भी जूस नहीं छोड़ा है, एक एक बूंद निचोड़ के रखेंगे। तो ये देखें बिल्कुल गन्ना सुखा दिया इन्होंने, बिल्कुल बखेर दिया है। तो आप देख सकते हैं अब ये जूस हम पीते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।